आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई अशोक तंवर जी, भाई भूपेश मेहता जी, भाई अमन चोपड़ा जी, भाई सुनील बामनिया जी, हमारे हरियाणा लोकहित पार्टी के जिला के प्रधान जयसिंह जी कुजंबी, हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रदेश के सचिव किशन लाल सैनी जी, भाई पप्पू रांझा जी, नाम रह गया तो क्षमा चाहूंगा आप सभी को मेरा स्वागत है। आज हम आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई अशोक तंवर जी जो 25 मई को चुनाव होने जा रहे हैं, हम उसकी अपील करने के लिए आपके बीच में आए हैं कि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का चुनाव है। और देश का चुनाव आप सभी को क्या पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा जी? मोदी जी बनेगा, पक्की बात नहीं, सारा देश का पता है मोदी जी बनेगा। देश एमपी अपनो अगर तंवर जी बनेगा तो ही काम करेगा, और कोई करा लिया होगा? हाँ, अगर कोई और होगा मैं कल जाऊंगा वो की कहूंगा तो मेरी तो सरकार को नहीं हाथ हिला देगा, कौन हिला देगा, कहीं हिला देगा नहीं। आज आपने गांव की प्रोग्रेस करानी है, अपने शहर की प्रोग्रेस करानी है, कौन कराओगे? अशोक तंवर जी अगर ये बड़े बैठा होगा तो ये जाकर लड़ाई लड़ेगा, इनकी बात माननी जाएगी या बैंक की बात माननी जाएगी, इना की बात माननी जाएगी, ये अपनी वकालत करेगा। अभी मेरी पहले एक दिन बात हुई थी आज से 15-20 दिन पहले कि सिरसा के अंदर बहुत बड़ी मांग है कि सिरसा फैक्ट्रिया वास्ते इनकम टैक्स जीएसटी ये सारी चीजें वो फ्री कराकर सिरसा जोन घोषित करवा दियो कि सिरसा का 20-50 हजार बच्चा नौकरी लाग जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उगा देगी। तो यो काम कौन कराओगे? सिर्फ अशोक तंवर जी कराओगा, बाकी कोई कर रहा। और आज देश की बात है तो देश की रक्षा एक ही आदमी करके 70 साल भी राज करे होते और 70 साल में मैं भी उड़ी रहा, रुपये भी रहे थे, आप लोग करे बताओ। मोदी जी जो करे हैं कोई कौन करके, मैं तो धार्मिक आदमी हूँ, सोशल सामाजिक सेवा करी है सनपते 15 साल, ठीक है जी। एंग है बात मोदी जी की, चलो राजनीतिक बात अलग है, अभी राजनीतिक आदमी आवे जो राजनीतिक विचार हो कहीं प्रकार का किया क्या करता है। आज भारत के अंदर अगर भारत का योगा जी है तो पूरे वर्ल्ड में योगा ने पूरे वर्ल्ड में जाने है। आज गीता जी है तो मैंने पूरे वर्ल्ड में लेकर गया, अपनी कुक्षेत्र से निकली गीता जी आज पूरे वर्ल्ड में जाने। आज भव्य काशी, दिव्य काशी, महाकाल जी, और सबसे बड़ी बात कि अपनी सारी पीढ़ियां निकल गई राम मंदिर में, देखता देखता सस्ता सस्ता राम मंदिर कौन बनायो? मोदी जी। आज देश 5वें नंबर पे कौन बनायो? मोदी जी। आज 80 करोड़ जनता ने राशन कौन दे रहा है? मोदी जी। दूसरा दे देगा के ले लोगे के दे? कौन देगा? तो क्या गलती ना कर दियो, आने वाले चुनाव 25 मई को एक के वोट हर जो फूल को निशान को लगाओगा वो सिद्ध हो मोदी जी की जोड़ी में जाओगे। मनोहर लाल जी, भाई गोपाल कांडा जी समर्थन दियो के मने कुछ कौन सी है, राजपाट मेरे कहना बाबा तारा को देड़ो बहुत है, मन्ने मेरे जिले को काम चाहिए। आज तक बता दो तो कोई काम रुके के गांव में कितना पैसा दिया मनोहर लाल जी? आज गौशाला की बात करा कहो मेरी कल से पिछली सरकार का हिसाब उठा के दिखा लो, कहो 44 करोड़ रुपया भी हो तो आज 400 करोड़ रुपया का बजट है गौशाला को, है को नहीं है? आज ये नहरा बनने लाग रही है सारी वाली सारी, आज तक कोई ध्यान दियो नहरा पे, कोई सरकार पे ध्यान दियो, कोई स्कूलों में ध्यान दियो। यह सरकार निष्पक्ष सरकार है, एक भी एमएलए कौन बनायो बीजेपी को, कोई एमएलए कौन बनायो? लेकिन भाई गोपाल कांडा जी, चौधरी रंजीत सिंह जी समर्थन दियो भाजपा ने, तो आज सत्ता के अंदर निष्पक्ष काम होने लग रहा है। अगर आज कड़ी और भी काम होना रहे तो पूरे हरियाणा में सरसों भी कम खुनी है, सरसों सारों वर्ग है, कोई रुपये की कमी को नहीं आई है। तो आने वाली सरकार भाजपा सरकार मोदी सरकार 400 पार 25 महीने फिर से यही प्रार्थना करना है कि एक बटन फूल को दबाइयो जो मोदी जी की जोड़ी में जाके गिरे और भाई अशोक तंवर जी सरसा से जीत गए, उनके बीच में शामिल हो जाए और अपने सरसा की तरक्की करावे। धन्यवाद, जय हिंद, जय हरियाणा। मेरा काम है दलाई लूज देना, वो मेरी बस एक बात सुनो,
चुनाव के बाद अभी चार सहिता है ना लागे की तो लाइटा मन ने देनी है का सारी सर्वे करा ली क्या कहीं कितनी कितनी डाणिया में लाइट जावे पर भाई गोपाल कांडा लगवाओ से चिंता ना बात बात होगी। देखो देखो दुग्गल जी कने कोनी होगा सरकार कने बहुत है सरकार कने नहीं होगा तो बाबा तारा कने बहुत है चिंता ना कर लाइटा लाग जाएगी डाणिया में लाइटा मैं सर्वे करा ली मेरा गांव में एक एक आदमी आ गया मैं तो आज वो अरे रसमल पर तो रह गए कौन सी डाणिया में लाइट बोली मैं बता दूं मैं बता दू थाने कौन सी डाणी में लाइट बोले मैं सर्वे करा ली लाइट वाले परसों से ये डानिया सारी मेरे को लिख रही है फूल का परचो है इन डानिया में लाइट लगाना मेरे को मैं लिख लगा पर डानिया में लाइट लग जाएगी पानी पहुंच जाएगा है बात की मेरी गारंटी है सारे धन्यवाद जय हिंद जय हरियाणा।